ये हाँ, ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा। तो ये का अब सितंबर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें मेरे से थोड़ी लेट हुई हैं वो ऐसा आप नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वीडियो उसी के बारे में, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक है। मेरे को पता है ये वीडियो 2-3 हफ्ते बाद आ रही है, पर थोड़ा स्केड्यूल ही ऐसा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, हेक्टिक थे पिछली 2-3 हफ्ते। पर चलो, अब मैं वापस आ गया हूँ और आज की वीडियो होने वाली है यहाँ पे जो वन ऑफ द सबसे अच्छा स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम सब ने करना चाहिए यहाँ पे आके। तो ये रहे, पहले मैं मिला लेता हूँ इनसे आपको। ये रहे मिस्टर इमाद। मिस्टर इमाद कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। वो बता देंगे कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जब आते हो। ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए होगी क्योंकि का अब सितंबर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो चीज़ें मेरे से थोड़ी लेट हुई हैं वो ऐसा आप नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वीडियो उसी के बारे में, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर बाद में मांगते हैं ना, बाद में मांगते हैं। हाँ, बाद में बता रहा था कि जो इस मेन मेन वीडियो का टॉपिक है कि मैंने अपना स्कूटी का लाइसेंस कैसे बनाया, तो ये उस बात पे आते थे। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये ऐसे करके कुछ कार्ड नहीं बनता, ऐसे पेपर पे दे देते हैं। ये इस पे लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे स्कूटी ड्राइव कर सकता हूँ अंडर, और मोटर बाइक भी ड्राइव कर सकता हूँ, ड्राइव बोल रहा हूँ, राइड कर सकता हूँ सॉरी, अंडर 125 cc। तो इसका प्रोसीजर के लिए सबसे पहले तो आपको आपका प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि उस पर एक नंबर होता है, 16-डिजिट नंबर होता है, वो चाहिए होता है। अपनी डिटेल्स चाहिए होती है, और हर एक सेंटर का, मतलब सेंटर्स होते हैं, इसको CBT बोलते हैं, स्कूटी के लाइसेंस को यहाँ पे CBT बोलते हैं। तो हर एक जगह, मतलब हर एक, जैसे बार्किंग हो गया, डेगनम हो गया, इल्फर्ड हो गया, हर एक जगह अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। आप अपनी तरह से कोई भी सेंटर जो आपको पसंद है वो चूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप आते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट BRP को साइड पे रख के, तो वो है ये। पहली बात तो आप सब पूछो कि ये इम्पॉर्टेंट है, बनाना ज़रूरी है। तो मेरे लिए जितना मैं 3 महीने हो गए यहाँ पे, जितना मैंने यहाँ पे देख रहा था, तो CBT बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक तरह से आपके जॉब के, मतलब जॉब जो है वो और खुल जाती हैं, जॉब और ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, कि आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो स्कूटी पे, आप स्कूटी ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। पर ज़्यादा तो मतलब इसलिए है कि मैंने जिसलिए ज़्यादा प्रेफर किया था ये बनाने के लिए, कि जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप कहीं पे भी डोमिनोज में लग सकते हैं, डिलीवरी ड्राइवर मैकडोनल्ड्स में लग सकते हैं, जितने भी मतलब अलग अलग स्टोर्स हैं ऐसे, वहाँ पे आप अपने नए नंबर पे जॉब डिलीवरी जॉब्स कर सकते हो अगर आपके पास ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा। तो ये बहुत जगह पर काम आ जाता है हमारा, कहीं पे अगर आपसे कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा है तो वहाँ पे काम आ जाता है। अगर आपको कोई जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए पहले आपके पास ये होना चाहिए, और अगर आपको स्कूटी का लाइसेंस बनाना है तब भी आपके पास ये होना चाहिए। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आके बनाना। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले ये ड्राइविंग प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाना है। सो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको UK की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इमाद भाई ने भी बनाने तूने अप्लाई कर दिया हुआ है? अप्लाई कर दिया हुआ है इसने। हाँ, मैं इसकी फ़ीस भी आपको बता दूंगा, कितनी फ़ीस है, कितना टाइम मेरा एग्जैक्ट लगा था, और मतलब वेरी कर सकता है कितना टाइम आपको लगेगा, लेकिन मैं एक एस्टिमेशन दे सकता हूँ। फटाफट बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना होता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना लग गया था कि अलग अलग सेंटर्स होते हैं, मैंने जहाँ से कराया था वो बार्किंग है, वहाँ मेरी फ़ीस लगी थी 150 pounds, लेकिन उसके लिए मेरे को अपनी हेलमेट लानी थी और अपने ग्लव्स लेने थे। पर जहाँ से मोहित ने किया था उसके फ़ीस 180 pounds थी, पर उसको ग्लव्स और हेलमेट दोनों चीज़ें मिली थी, तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है रेट। तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या उनको कॉल करनी होती है। मैंने कॉल किया था उनको और मोहित ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो
इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अभी, काफ़ी ज़्यादा लोग स्कूटी का लाइसेंस वगैरह बना रहे हैं, CBT कर रहे हैं। मेरा नंबर, मैंने 28 अप्रैल को लिखा है कि आप ऑनलाइन UK की वेबसाइट पर चले गए, www.driving.co.uk करके वेबसाइट है, वहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोविजनल आ जाता है। वहाँ पे जाके आपने अपनी डिटेल्स वगैरह भर दी, वो एक तरीका है। पर जो मैंने तरीका यूज़ किया था, जो मतलब एक और तरीका है, वो है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस पे जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस पे जाना है आपने, वहाँ पे आपने बोलना है कि मुझे DVLA भरना है। हिंदी में भी बोल सकते हो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे काफ़ी अपने एशियंस ही लगे होते हैं, तो उनको बोलना है कि मेरे को DVLA का अपना मैंने प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है, तो आपको एक फॉर्म दे देंगे। आपको वो फॉर्म पूरा फिल करना है, अच्छे से फिल वगैरह करना है, 2-3 पेजेस होते हैं, उस पर अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। तो उसके बाद वो डिटेल वगैरह भर के आप अपना एक BRP लेके जाना है अपने साथ, एक पासपोर्ट का फ्रंट पेज की कॉपी लेके जानी है, और वो वहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। तो उस अप्लाई करने के प्रोसीजर में वो आपसे ऑलमोस्ट 65 पाउंड्स लेते हैं, 63 पाउंड्स, 60-65 पाउंड्स आपके खर्चा आ जाता है उसको अप्लाई करने के लिए, प्लस आपका BRP ले लेते हैं वो। तो मेरा जो BRP था वो आया था बाय पोस्ट, आया था मेरे घर पे 15 दिन के बाद आया था वहाँ से। तेरा कितने दिन के बाद आया, आ गया तेरा? नहीं, क्या BRP नहीं आया, इसने अभी अप्लाई किया है, एक हफ्ता हुआ है इसको अप्लाई किए, तो 15 दिन के बाद मेरा BRP आ गया था। और नहीं, मेरा आया दो ढाई महीने। वो तो तूने अप्लाई नहीं किया था, वो तो तेरी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो मेरे अप्लाई करने के बाद BRP 15 दिन के बाद आ गया था, और प्रोविजनल मेरा एग्जैक्टली 1 month and 2 days में मेरा प्रोविजनल कार्ड बन के आ गया हुआ था। तो डिपार्टमेंट क्या होता है, मेरे को सुबह 8 बजे ने बुलाया था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। तो वो 8 बजे आपको सुबह बुलाते हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है, सबसे पहले आपकी बताना होता है, फिर वो पूछते हैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कि आप क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को 20 hours अलाउड है, तो मैं जस्ट स्ट्रीट पे डिलीवरी जॉब्स कर सकता हूँ। तो उसके बाद वो आपको थोड़ा बहुत मतलब स्कूटी के बारे में बताते हैं, पहले हेलमेट के बारे में सारा कुछ बताते हैं, हेलमेट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताते हैं, हेलमेट का काफ़ी कुछ होता है। वैसे मेरे को भी यहाँ पे जब मैं आया तो पता चला, और जब उन्होंने बताया तो उसके ऊपर उन्होंने आधा घंटा बताया ये अलग अलग चीज़ें। उसके बाद सेफ्टी उन्होंने बताया, सेफ्टी के बारे में वो बता रहे थे। तो UK में अगर आपको स्कूटी चलानी है तो खाली एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है हेलमेट। हेलमेट के बिना आप बिल्कुल भी स्कूटी नहीं चला सकते, हेलमेट इंपॉर्टेंट है। और एल प्लेट्स फ्रंट पे भी लगी होनी चाहिए और बैक पे भी लगी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो पुलिस आपको मतलब देख लेती है बिना एल प्लेट्स के, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, आपके पॉइंट्स कट जाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। ये अलग अलग मतलब सिग्नल्स के बारे में सिखाते हैं, लेफ्ट टर्न, यू टर्न वगैरह वगैरह, ये सब बताते हैं वो हमें। तो ये वो भी कोई आधा घंटे की ट्रेनिंग उसके बारे में देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जिसके बारे में बात कर रहा था, सबसे हमें प्रैक्टिकल चलानी होती है स्कूटी। सेकेंड पार्ट में वो हमें स्कूटी के बारे में नॉलेज देते हैं, इसकी ब्रेक्स कहाँ पे होती है, कहाँ हेडलाइट्स के बारे में बताया था, मतलब हॉर्न, ये सब नॉर्मल चीज़ें बताई थी। तो जो मेन ट्रेनिंग है वो थर्ड जो राउंड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। हमें स्कूटी में वो अलग अलग टास्क देते हैं, जैसे 8 बनाना होता है, और 2-3 टास्क दे देंगे, इमरजेंसी ब्रेक लगानी होती है, और यहाँ से लेके आओ स्कूटी, मतलब कोन्स लगाए होते हैं, अलग अलग टास्क देते हैं उसमें, वो भी बहुत इजी होता है। ये 3 टास्क होते हैं, उसके बाद एक टास्क रह जाता है जो सबसे मेन होता है। सबसे 2 घंटे तक स्कूटी राइड करनी होती है वहाँ पे, वो चेक करते हैं, अलग अलग मतलब कमांड्स देते हैं, हेडफोन लगाए होते हैं एक्चुअली हमने, तो उनके पास माइक होता है, हम सब कुछ सुन सकते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो हमें डायरेक्शन देते जाते हैं पीछे से कि इतनी स्पीड आपको आगे से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, यहाँ से स्ट्रेट जाना है, राउंड अबाउट पे क्या करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे, आपको बस वो करना है। और मतलब हम 2 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे जब हम जा रहे थे, वो क्योंकि एट ए टाइम वो 2-3 को ही अपने साथ लेके जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो फिर उनके लिए भी काफ़ी। मैं सच बताऊँ तो मेरी जो ट्रेनिंग वो बोल रहे थे 2 hours का प्रैक्टिकल होगा, वो 1 घंटे में ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा ड्राइवर था उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्कूटी अच्छे से चलाने आती थी। नॉर्मली 3-4 बजे तक चलता है, पर हमें 1 बजे उसने फ्री कर दिया था CBT दे के हमारा, क्योंकि हमें मतलब कोर्स वगैरह मैंने पढ़े थे पहले भी, और स्कूटी चलाना भी अच्छे से आती है। मतलब 4th step यही था, इतना ईजी था कि क्या बताओ, बस जैसे उनकी कमांड फॉलो करनी है और आराम से स्कूटी चलाई जानी है। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है CBT बनाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये राइड खाली मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, खाली उनके लिए जिन्होंने मतलब स्कूटी वगैरह चलाई हुई है अपनी होम कंट्री में।
तो मैंने जैसे एक दो साल मैंने अपनी स्कूटी चलाई हुई है अपनी होम कंट्री में। तो अगर आपने आपको मतलब थोड़ी सी भी स्कूटी वगैरह राइड करना आती है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। होप आपको एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और मेरी आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और टेक केयर गाइस, लव फ्रॉम लंदन।